ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर सरसावा थाना पड़ता है और सरसावा थाना पुलिस ने ही तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों ही हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से पुलिस ने 24 बोतल देसी शराब बरामद की है और यह शराब एक पल्सर मोटरसाइकिल पर लाई जा रही थी। पकड़े गए तीनों अभियुक्तों ने अपने नाम सिब्बू उर्फ शंभू पुत्र महेंद्र कश्यप निवासी हरियाणा, नरेंद्र सैनी उर्फ नंदू पुत्र ताराचंद निवासी हरियाणा और हिम्मत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह निवासी हरियाणा बताए हैं। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। दरअसल सहारनपुर पुलिस को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग नशा तस्करी का काम कर रहे हैं। ये लोग पड़ोसी राज्य हरियाणा से शराब लाते हैं और उसकी तस्करी कर उसे सहारनपुर के अलग अलग क्षेत्रों में बेचा जाता है। सरसावा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पल्सर बाइक पर सवार होकर तीन युवक आ रहे हैं जिनके पास तस्करी की शराब है। इसी आधार पर पुलिस ने इन्हें रोककर चेकिंग की तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।